13 जून 323 कब्ल मसीह यूनान के उस अजीम फाते की वफात का दिन है जिसे दुनिया सिकंदर आजम के नाम से जानती है। वो मकदूनिया से पूरी दुनिया को फतह करने के लिए निकला और उसने महज एक दहाई में दुनिया के बेशतर हिस्से को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। मारूफ यूनानी फलसफी अरस्तू का शागिर्द सिकंदर आजम 20 बरस की उम्र में तख्त नशीन हुआ और सिर्फ 33 बरस की उम्र में बाबुल के मकाम पर इंतकाल कर गया। ये अजीम फाते जब दुनिया से रुखसत हुआ तो वसीयत के मुताबिक उसके दोनों हाथ ताबूत से बाहर रखे गए ताकि आने वाली नस्लों को ये पैगाम मिले कि सिकंदर जब दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे।